हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप निकल गई है कि आंखें भी नहीं खुल रही है। और आज हम जाने वाले हैं रणथंभौर सफारी करने के लिए, तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो उसको देखने के लिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और हम बस निकलने वाले हैं। वहाँ पहुँच के मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या देखा। अगर हम टाइगर देखेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, और पूरा व्लॉग देखना सब कुछ देखने के लिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चलो चलते हैं। हम भी ऐसे ही कैंटर में जाएंगे सफारी के लिए। दो ऑप्शन होते हैं, जीप और कैंटर। हमने कैंटर किया है क्योंकि कैंटर थोड़ा ऊंचा रहता है, तो इसमें डर भी नहीं लगता। हम पहुंच गए हमारा टिकट लेने के लिए। पहुँच चुके हैं रणथंभौर। अभी हमने टिकट ले ली है। इसकी बुकिंग हमने 2 दिन पहले ही करा दी थी, बट अभी यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम आ गए हैं। और 3 बजे हम जाएंगे अंदर, जंगल के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे हमने सभी तरह के वाइल्ड एनिमल दिखेंगे। टाइगर, भालू, हिरन, स्वैम्प डियर सभी दिखेंगे, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला। टिकट ले ली है और अब हम कैंटर का वेट कर रहे हैं, जो अभी 3 बजे आने वाला है। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा। यहाँ खड़े हमने कैप ली है जो सफारी के लिए काम में आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। हमारा कैंटर भी आ गया है और हम इसमें बैठ गए हैं, और थोड़ी देर में ये चल देगा। अब हम जा रहे हैं सफारी के लिए। पर कोई भी नहीं है अभी। हम रुके हैं किसी को लेने के लिए, क्योंकि कैंटर जो होता है आप जहाँ रुकते हैं वहाँ लेने के लिए आ जाता है। और हम अब जा रहे हैं, फाइनली हम सफारी करने जा रहे हैं और यहीं से रुक कर पहुँचने वाले हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये मेन गेट है, इससे हम एंटर होंगे और आगे जाएंगे। इस गेट से तो हम एंटर होंगे नेशनल पार्क में, और फिर आगे अलग अलग जोन है। हम जोन 3 में जा रहे हैं, वहाँ टाइग्रेस रिद्धि अपने 3 कब्स के साथ रहती है। होप सो वो दिख जाए हमें, क्योंकि कई बार नहीं दिखते हैं। इतना बड़ा फॉरेस्ट है इसलिए कहीं भी हो सकते हैं। तो हम इस कैंटर में 15 से 20 लोग बैठे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। धूप भी बहुत है, रास्ता ही नहीं दिख रहा। हम थोड़ा सा आगे पहुँचे ही थे, आगे जीप और कैंटर खड़े थे, तो वहाँ से पता चला कि बाजू में से एक लेपर्ड का बच्चा जा रहा है, जो फ़ोन में तो नहीं आ सका, पर हमने लेपर्ड दिख गया। एंटर होते ही हमें लेपर्ड दिख गया है। किस्मत अच्छी है हमारी, वरना फोटो को तो दिखता ही नहीं है। बड़े सिंह वाला काफी अंदर आने के बाद हम पहुंचे, और यहाँ पे एक बड़ा सा लेक भी है, पदम लेक, और इसी के सामने
रणथंभौर फोर्ट है जो एक पहाड़ी पे बना हुआ है और इसके अंदर एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है। अभी हम सफारी करने आए हैं तो सफारी करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपको ये फोर्ट दिखाऊंगी। ये है एंट्रेंस फोर्ट की, इसके जस्ट सामने ही जोन 3 का एंट्री गेट है जोगी महल गेट, इससे हम अंदर जाएंगे और फिर हमारी सफारी शुरू हो जाएगी। कितना मस्त दिख रहा है। एंटर हो गए हम, ये काफ़ी पुराना गेट है राजा महाराजाओं के टाइम का। यहाँ पे वॉशरूम है अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना हो, क्योंकि उसके बाद कहीं रुकता नहीं है और जंगल में नीचे उतरना भी अलाउ नहीं है। ये तकरीबन 300 साल पुराना बरगद का पेड़ है। ये वही लेक है जो अभी हमने बाहर से देखा, पदम लेक। फर्स्ट टाइम सफारी का एक्सपीरियंस करेंगे हम और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या चिड़िया बैठी है? चिड़िया तो मुझे नहीं दिखी। हम चारों तरफ टाइगर देखते हुए आ रहे हैं, कहीं दिख जाए। और थोड़ा ही आगे चल के हमने देखा कुछ गाड़ियां खड़ी है, तो वहां पे टाइगर सृति का एक कब था जो काफ़ी बड़ा लग रहा था, बट ये 2 साल का था और 2 साल का इतना बड़ा नज़र आ रहा था, इसको पास देख के तो और ही ज़्यादा डर लग रहा था कहीं ये अटैक ना कर दे। आवाज मत करा बच्चों को, देखो बेटा इसी चुप, एक मिनट इसी चुप, आ जाएगा गाड़ी में, आ जाएगा। मुझे तो गाड़ियाँ चल दी ना, अब रुकेगी नहीं, उधर जा रहा है रास्ते की तरफ, रोड पे क्रॉस करेगा वो, इसका रास्ता ब्लॉक मत करो, नहीं तो वो बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर बैठा रहेगा। ये तो लगी है गाड़ी, इधर जा रहा है, वो छुप गया ना, रास्ता ब्लॉक कर वो लेना, पीछे लेना, नहीं वो पीछे ले लेना, वो निकल रहा था कार में बैठ गया। देखिए बैठ बैठिए बैठिए, उसको क्रॉस करना लगता है। हड्डी मेरी टाइगर का जो बच्चा है वो वापस आ गया, इसको रोड क्रॉस करना था बट गाड़ियों की वजह से ये नहीं किया और वापस जा रहा है, तो हम भी इसे ही फॉलो करते रहेंगे। ये कहाँ जाएगा? ये अपनी मम्मी मतलब टाइगर रिद्धि के पास जाएगा, तो हम इसे फॉलो करते रहेंगे जहाँ जहाँ ये जाएगा। थोड़ी देर बाद टाइगर का बच्चा जो है वो नीचे उतर गया और हम उसे फॉलो कर रहे हैं, ये जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ हम उसे फॉलो करते जा रहे हैं। थोड़ी दूर तक तो ये नज़र आया बट उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही नीचे उतर गया तो हमें दिखा नहीं। अभी दिखा थोड़ा बहुत हमें दिखा है, परेशान हो गया है, उसमें देख रही पब्लिक, हम इसे ही फॉलो करते जाएंगे क्योंकि यही हमें बाकी टाइगर तक पहुंचाएगा।
जो कि आज हम देख के ही जाने वाले हैं। हाँ, नीचे अभी थोड़ा और नीचे उतरा है, देखते कहाँ जाता है। उस जगह पे तो वो ज़्यादा ही नीचे चला गया तो हम उसे देख नहीं पाए। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये जहाँ नीचे उतरा है वो आगे कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। तो अब हम आगे जा रहे हैं और आगे जाके हम देखेंगे। थोड़ा आगे आने के बाद हमने देखा एक कैंटर खड़ा है और काफ़ी सारे कैंटर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पिकॉक की कॉल आ रही है। मतलब पिकॉक बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसका मतलब कि वो टाइग्रेस और उसके बच्चे जो वो इस साइड आ रहे हैं, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। टाइग्रेस और उसके बच्चे आ गए हैं और वो इतना दूर फोन में बहुत ज़्यादा क्लियर जैसा दिख रहा है। मैंने कोशिश की है, इसमें जो बच्चे हैं टाइग्रेस के वो इस पेड़ पे खेल रहे हैं। पीपल का पेड़ है, मोटा सा, एक ऊपर चढ़ रहा है, जब वो नीचे घूमो कूदे, बस मजा आ रहा है। दूसरा दूसरा चढ़ने कर रहा है, नीचे रहा है, देखो रही है। ये पचंड है रोज ने जी, जो नीचे पेड़ है वो पचंड है। नहीं बेरा तो जगह ना उसमें बैठने की भी, वो इधर वो आ गए सब नीचे, वो नहीं यार इधर गए उधर बैठ। यहाँ पे हमारी जो नानी है वो दाली ने बहुत है क्योंकि उन्होंने पहले ही टाइगर देख रखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई है उन्हें। अब दादी कहाँ जा रही, थक गई लग रहा है, टाइगर देख जाती दिन कर रही है सबको सबको डरा दी। हमने टाइगर और उसके तीन कब्ज़ को एक घंटे से ज़्यादा देर तक देख लिया। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें पूरा जोन 3 कवर करना है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा हिरण है, 200 से 250 किलोग्राम तक का वजन है। टाइगर मोस्टली क्या इसी का शिकार करता था, तो सबसे बड़ा ही टाइगर का ज्यादातर। एक वो खड़ा देख, वाइट कलर का दिख रहा ही नहीं, कलरलेस अकेला रहता है। इजीली इसको क्या हंट कर लेता है। दूसरे डियर क्या है, स्पॉटेड डियर, अभी जैसे देखेंगे अपन चीतल, वो बड़े बड़े ग्रुप में रहेंगे तो उसमें भी किसी को दीदी बच्चा जा रहा है। दीदी दीदी इस पेड़ के पास देख, बच्चा दिखेगा ये छोटा सा, ये बड़ा बड़ा दिए। इसमें भी क्या मेल के सींग होते हैं, फीमेल के सींग नहीं होते। अरे बच्चों पकड़ लिया और सबसे ज्यादा यही है अपने पार्क में, कम से कम 20,000 स्पॉटेड डियर। ये सीन के साथ फूट रहा है समर और हमेशा स्पॉट रहते हैं और समर में कभी स्पॉट नहीं आएंगे। पानी पी रहा है, इसके भी रहते हैं, इसमें भी जो मेल के हैं। और हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें पूरा जोन 3 कवर करना है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। इससे बड़ा नहीं होगा,
पानी पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे खड़े जैसे कोई इनको फोटो खिंचवानी हो एक फ्रेम में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था ये और बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे एक साथ। तो हमने सोचा इनके साथ रुक के फ़ोटोज ले ली जाए। नीचे तो नहीं उतर सकते बट कैंटर में से तो ज़रूर ले ही सकते हैं। तो हमने वहाँ कुछ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए और फिर हम आगे बढ़े। आगे जाके हमने और भी बहुत कुछ देखा तो इस वीडियो में आप देखना। ये पदम लेक है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं जो पानी पी रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो स्पॉटेड डियर घास खा रहे हैं और एक तरफ मगरमच्छ है जो पानी के बाहर लेटे हुए हैं। काफ़ी दूर है इसमें दिख नहीं रहे, शायद थोड़ा जूम करके बताती हूँ आपको। जो पानी के बाहर ही लेटे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं वो, बट इसमें नहीं दिख रहे हैं। अब जोन से बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने टाइगर सिद्धि उसके 3 कब्स देख लिए जो इस जोन में रहते हैं और अब हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि 3 ही घंटे मिलते हैं देखने के लिए। मुंह खोल रहा दीदी, दीदी मुंह खोल रहा है शिकार के कारण मुंह खोल रहा है। बाहर निकलने से पहले हमने एक साथ इतने सारे मगरमच्छ देखे तो हम उन्हें देखने के लिए रुक गए। और ये है हमारी इस शाम का ब्यूटीफुल सा सनसेट। बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये, बहुत ही ज़्यादा। ये वही गेट है जिससे हम एंटर हुए थे और ये पेड़ 300 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो बहुत ही बड़ा है, जो फ़ोन में भी नहीं आ पाया इतना बड़ा है। और इसके बाद हम वापस मेन गेट की तरफ गए क्योंकि हमारी जो सफारी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।